कहानी नंबर 103, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। एक बार एक छोटे से शहर में एक छोटा आदमी रुई धुनने का काम करता था। छोटा काम था, थोड़ी रुई मंगाकर अपना व्यापार किया करता था। एक बार उसके शहर में स्टेशन पर ट्रेन में से हजारों गठाने रुई की उतर रही थी और प्लेटफार्म पर पहाड़ जैसी विशाल लग रही थी। इसी समय उस व्यक्ति का शाम को अपने साथियों के साथ स्टेशन पर घूमना हुआ। तब पहली बार अपने शहर में अपने सामने इतनी हजारों गठान रुई की देखकर वह बारंबार सोचने लगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। और सोचते सोचते बहुत टेंशन में आ गया और बेहोश हो गया। उसके साथियों ने उसे उठाया और अस्पताल ले जाकर डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने बीपी नापकर दवाई दी तो कुछ समय बाद होश में तो आ गया, किंतु गुमसुम रहता, किसी से कुछ बोलता नहीं। उसको तो बस पहाड़ नुमा रुई का भंडार नजर आ रहा था और वह बार बार बोले जा रहा था, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। परिवार के लोग, मित्रगण व डॉक्टर आदि कोई नहीं समझ पा रहा था कि इसको हो क्या गया है या अचानक पागलों जैसी चेष्टा क्यों कर रहा है। दवा खाना से घर ले आए, सभी प्रकार का इलाज कराया, किंतु ना वह अच्छी तरह आहार जल ग्रहण करता न अच्छी तरह सोता। बस जागते में नींद में वही बात बड़बड़ाता रहता। किसी समझदार पुरुष की सलाह पर बड़े शहर में मनोचिकित्सक के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने जब ये बीमारी हुई तब की घटना, स्थान आदि की पूरी जानकारी ली। तब उसके मित्र ने कहा, डॉक्टर साहब, हम उस दिन स्टेशन पर अच्छी तरह घूमने गए थे, किंतु वहां जब इसने पहाड़ जैसी रुई की हजारों गठाने देखी तो देखता ही रह गया और कहने लगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, और फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब उसके मानसिक रोग को अच्छी तरह समझ चुके थे। वे बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने आगे कोई जांच आदि नहीं कराई और दवाई आदि भी कुछ नहीं दी, क्योंकि कोई रोग था ही नहीं। डॉक्टर साहब ने मन में विचार किया कि इस छोटे से गांव के छोटे से आदमी ने कभी इतनी रुई देखी नहीं, इसलिए इसको सदमा लग गया कि इतनी रुई कौन धुनेगा और कौन बुनेगा, अतः इसका रुई का भूत उतारा जाए। डॉक्टर साहब ने उनके परिवारजन व मित्रगण को समझाया कि मरीज के पलंग पर जाकर बार बार चिल्लाएं कि इस धुनकर के गांव के स्टेशन पर जो हजारों गठाने रुई की उतरी थी उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरी रुई जलकर राख हो गई, अब कुछ नहीं बचा। इतनी बात सुनकर वह एकदम उठकर बैठ गया और खुश होकर बोला, सचमुच अब वहां बिल्कुल रुई नहीं बची, अच्छा हुआ अब मुझको बिल्कुल रुई नहीं धुननी पड़ेगी, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वह बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है उस धुनकर की ऐसी दशा सुनकर हमें हंसी आ रही हो या इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा हो, किंतु आज हजारों लाखों प्राणी हर गांव शहर में उस धुनकर जैसे मिल जाएंगे जिन्हें बिना काम का उस धुनकर जैसा भ्रम का रोग लगा है। क्या होगा कल, कौन करेगा यह सब, कैसे होगा यह सब, मैं अकेला यह सब कैसे करूंगा, घर का काम कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा। इसी तरह के विकल्पों की अनावश्यक कल्पना करके आज अधिकांश प्राणी टेंशन में जीवन जी रहे हैं और बीपी शुगर हार्ट अटैक की नई नई बीमारियों से ग्रसित होकर दुखी हो रहे हैं। टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। जीव को बाह्य संयोग अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख रूप कर्मोदय जनित है, कर्माधीन है, उसमें जीव का विकल्प कुछ नहीं कर सकता। अतः अपनी बुद्धि व्यवस्थित करते हुए, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए, अकर्ता बनकर निश्चिंत रहते हुए प्रति समय आनंदित रहना चाहिए। यही तत्व ज्ञान का, तत्वाभ्यास का, स्वाध्याय का सच्चा फल है। आपने ये कहानी अंत तक देखी
और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, अतः आपका बहुत बहुत आभार।